2012 में टॉम हॉलैंड एक एक्टर है, एक मूवी प्रीमियर में गए थे, जहां पर एक इंटरव्यू ने इनसे पूछा कि अगर आपको सुपर हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सा रोल करना पसंद करोगे। तो बिना एक सेकंड भी पॉज दिया ही सेड कि मैं स्पाइडरमैन बनूंगा। Maybe Spider-Man in like 10 years time. इनको ये वाली स्पाइडरमैन मूवी काफी पसंद थी और ये मैनिफेस्ट करते थे, सोचते थे कि एक बार मुझे स्पाइडरमैन बनने का मौका मिल जाए। एंड उसके 4 साल बाद 2016 में यही हुआ, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इन्होंने स्पाइडरमैन का रोल किया। फिर 2017 में स्पाइडरमैन होमकमिंग में ये एज ए लीड एक्टर थे, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया जानती है इनको। लव ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग सुनते रहते हैं कि अगर किसी चीज को पूरे मन से चाहो तो आपको कभी ना कभी कायनात मिला ही देती है। अब देखो ये सारी चीजें जो है वो कहने के लिए होती है, लेकिन क्या ऐसे रियल एग्जाम्पल है? इस वीडियो के साथ हम लोग यही देखने वाले हैं और रियलिटी में क्या फर्क पड़ता है और किस तरीके से जो है लोगों का जो है वो माइंडसेट चेंज होता है। इस वीडियो का मकसद यही है कि आप अपने माइंडसेट को किस तरीके से एक स्ट्रांग माइंडसेट में कन्वर्ट करोगे, और वही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक बार वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं इसके बारे में। पैट्रिक महोम्स, 2020 में इन्होंने सुपर बॉल कप जीता था, लेकिन ये दिन इनकी लाइफ में आएगा इसकी प्रेडिक्शन इन्होंने 2013 में ही कर ली थी ट्वीट लिख करके। इन्होंने क्या लिखा, आई एम गोइंग टू डिज्नी वर्ल्ड, मैं डिज्नी वर्ल्ड जाने वाला हूँ आफ्टर विनिंग द सुपर बॉल। सुपर बॉल को जीतने के बाद पहले ही बोल दिया। मेगन थी स्टैलियन ये एक फेमस ग्रैमी विनर रैपर है, 2014 में इनको कोई जानता नहीं था। उस वक्त इन्होंने एक ट्वीट लिखा था, पब्लिकली लिख दिया इन्होंने कि मेरा रैपिंग करियर हिट होने वाला है और मुझे एक टीम की जरूरत पड़ेगी, और यही हुआ। 8 साल के बाद इन्हें सक्सेस मिलना शुरू हो गई। विराट कोहली को बॉल डालने से पहले अच्छे से अच्छे बॉलर सोचते हैं, प्लान करते हैं, बट फिर भी विराट कोहली पिच पर डोमिनेट करते हैं, धोखा रखते हैं। इसके पीछे का रीजन आप खुद सुनो। When I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. Famous Canadian rapper and singer Drake, जब ये struggle कर रहे थे, तब इनके laptop के wallpaper में एक luxurious घर की photo लगी हुई थी। ठीक वैसा ही घर ये खरीदना चाहते थे और manifest करते थे कि एक दिन मेरा घर होगा। And famous होने के बाद में इन्होंने कौन सा घर खरीदा, photo देख लो। American comedian and actor Jim Carrey की कहानी तो सबको ही पता है कि 1989 में इनका एक्टिंग करियर शुरू भी नहीं हुआ था, तब इन्होंने अपने आप को $10 million यानी कि 85 करोड़ रुपीस का चेक अपने आप को लिख दिया था कि आज से 5 साल के बाद में मेरे अकाउंट में इतना पैसा होगा और मैं निकालूंगा। एंड 5 साल के बाद में उसी टाइम 1994 में डम एंड डमर मूवी आती है और इनको $10 million मिल जाते हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपने भी सुने होंगे। कई सेलिब्रिटीज ये बताती है कि आप अमीर हो, गरीब हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम करता है, सबकी हेल्प करता है सक्सेस को अचीव करने में। अगर आप दुखी होना चाहते हो, बीमार होना चाहते हो, गरीब होना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके बारे में सोचना शुरू करना है, थॉट्स बनाने शुरू करना है। आपको दुखी, बीमार और गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको सुखी होना है, हेल्दी होना है, अमीर बनना है, तो ऐसे थॉट्स बनाने स्टार्ट कर दो। मैं फिर से बोलता हूं कि आपको सुखी, हेल्दी और अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यूनिवर्स आपकी सारी बात सुनता है, भले आप मुंह से नहीं बोल रहे हो, दिमाग में सोच रहे हो। इसलिए कभी भी नेगेटिव मत सोचो कि भाई ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, कर तो रहा हो, नहीं हुआ तो क्या होगा, मेहनत वेस्ट जाएगी, इंटरव्यू में मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ तो, बिजनेस मेरा फ्लॉप हो गया तो, रिस्क ले रहा हूं, कुछ हो गया तो। अब इस बात से छोड़ो कि आप दूसरों के लाइफ मत देखो, आप अपनी लाइफ देखो कि आपने बहुत बार ऐसा सोचा होगा कि ये काम आप नहीं कर पाओगे, और वो काम कोई भी हो सकता है, चाहे आपके पर्सनल गोल्स के ऊपर हो, चाहे अपने फैमिली के गोल्स के ऊपर हो, चाहे कोई चीज़ ऐसा हो जो कि आपको लगता है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। अब थोड़ा सा एग्जांपल हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऑफेंडिंग होगा, लेकिन एक बात आप देखो, जब भी आप किसी चीज़ के लिए बीमार पड़ते हो, जैसे मान लो कि आपको फीवर हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो आप क्या सोचते हो? आप जल्द से जल्द उसे ठीक होना सोचना शुरू कर देते हो। जैसे अगर मैं अपने ऊपर चलो अपने ऊपर नहीं किसी और को बोल लेते हैं कि कोई आदमी बीमार हो जाता है तो क्या सोचता है? सोचता है कि जल्दी से जल्दी मुझे ठीक होना है, चाहे वो 4 दवाई खा ले 2 दवाई खा ले, लेकिन वो हमेशा ठीक होने की कोशिश करता है। उसका माइंडसेट इसी लेवल पे काम करता है कि उसे जैसे भी करके ठीक होना है, चाहे वो 10 डॉक्टर से दिखाए, 2 डॉक्टर से दिखाए, 1 डॉक्टर से दिखाए, चाहे किसी से ना दिखाए, किसी तरीके का दवाई खाए, किसी तरीके का टीग्रम अपनाए, लेकिन उसे ठीक होना है। तो जो हमारा दिमाग है ना, जितना जल्दी चीज़ों को विजुलाइज करना शुरू करता है, जितना जल्दी उसे फील करना शुरू करता है, आप देखोगे इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। अभी एग्जाम्पल हो सकता है कि नेगेटिव हो, लेकिन ये चीज़ें आपने भी कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जब भी आप कभी बीमार पड़ते हो या कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़, खांसी भी हो जाती है, तो कुछ टाइम बाद आप इरिटेट हो जाते हो और आप ये सोचने लगते हो कि कब ठीक होगा, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। आप जल्दी से उसे ठीक करना शुरू कर देते हो, आप चाहते हो ना कि हाँ एकदम से ठीक हो, आप बिलीव करना शुरू कर देते हो। कोई कहता है कि पानी से भाप ले लो, आप कहते हो कि हाँ बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, ले लूंगा।
आप कोई कहता है कि ये दवाई खा लो तुरंत ठीक हो जाओगे तो आप ठीक हो जाओ, कोई कहता है कि विक्स खा लो उससे जो है खराश नहीं होगा वो भी खा लेते हो, कोई कहता है कि बाम लगा लो खांसी नहीं होगा वो भी करना शुरू कर देते। ये जो बिलीव सिस्टम है ना कि आप जितना जल्दी अपने अंदर फॉर्म करना शुरू करते हो उतना ही जल्दी हमें इम्पैक्ट देखना शुरू हो जाता है। यानी कि जिस तरीके से जैसे हम लोग बीमार जब भी पड़ते हैं तो क्या करते हैं कि उसे मैनिफेस्टेशन जो होता है ना बहुत पावरफुल हो जाता है। यानी कि आप दिन भर यही सोचते रहते हो कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है, मुझे अगला काम करना है, मेरा काम छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है, और ये बिलीफ सिस्टम बढ़ते जाता है आपके अंदर। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए जैसे हम अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं, अपनी चीज़ों को टारगेट जो है ना उसको विजुअलाइज करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हम वो बिलीफ सिस्टम नहीं लेके आते, हम दिन में एक बार सोचते हैं कि हाँ मुझे ये करना है। लेकिन ये चीज़ें ना हम अपने बिलीव के अंदर बिल्कुल एकदम की हम दिन रात उसी के बारे में जो है वो एकदम से सोचते रह जाए, मैनिफेस्ट करते रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और जिस दिन ऐसा हम लोग करने लग जाते आप देखोगे कि कोई भी काम जो है वो आसान नहीं है और कोई भी काम इम्पॉसिबल भी नहीं है, सारे गोल्स आपके सपने जल्दी से जल्दी जो है पूरे हो जाते हैं। अब ये एग्जाम्पल बहुत सारे लोग को ऑफेंड करेगा लेकिन हाँ ये रियलिटी है, आप सोच के देखना कभी इसे बहुत ही ठंडे दिमाग से। ये चलता रहता है, डोंट एवर थिंक कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देगा जिसके बारे में आप सोचते हो। इस यूनिवर्स में हर चीज की फ्रिक्वेंसी होती है, हर चीज की, पेन, पेपर, वाटर, मोबाइल, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी, वेदर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर बॉडी, आपका पूरा शरीर, आपके विचार, जो आप सोचते हो उसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है। क्या फ्रिक्वेंसी केवल बात है? नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है, ये क्वांटम फिजिक्स है, फ्रिक्वेंसी से पूरी दुनिया बनी है। क्या है फ्रिक्वेंसी? एक मैग्नेट जो होता है वो हमेशा किससे अट्रैक्ट होता है? लकड़ी से नहीं होता, कांच से नहीं होता, पीतल से नहीं होता है, किससे होता है? लोहे से होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट और लोहे की फ्रिक्वेंसी सेम है और सेम फ्रिक्वेंसी वाली चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करा, उसकी फ्रिक्वेंसी और जो स्पीकर है उसकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है तो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलरली अगर आपके थॉट्स की फ्रिक्वेंसी जो एक्चुअल में होती है, बातें नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसकी फ्रिक्वेंसी जो आप सोचते हो और आपके ड्रीम्स की फ्रिक्वेंसी जब मैच हो जाती है तो इंसान को वो मिलना स्टार्ट हो जाता है जो वो सोच रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसलिए वो सोचो जो आपको चाहिए। मैं बार बार थॉट्स बोल रहा हूँ, क्या इसका मतलब यह है कि केवल सोचना है और कोई भी एक्शन नहीं लेने तब भी ड्रीम्स आपके रियलिटी में बदल जाएंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप अपने ऊपर 1% भी डाउट किए बिना किसी ड्रीम के बारे में सोचते हो, पूरी तरह से सोचते हो, पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है एंड मैं बनने जा रहा हूँ, मैं पा रहा हूँ बस इसको, तब ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। उसके बाद में आप कुछ नहीं करते हो, आप रोक भी नहीं सकते वैसे अपने आप को, आपका दिमाग आपसे मेहनत करवाएगा या आपको बताएगा कहाँ से पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना एक्शन काम नहीं करता है, पहली बात सुन लेना, फिर आप मुझे बोलोगे ये तो बता रहा है कि ऐसे ही सोचो। नहीं, एक्शन तो लेने होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो है अपॉर्चुनिटी, उसके लिए लेकिन एक्शन तो आपको लेने होंगे। इसलिए अब सुनो मेरे स्टेप्स, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आपको भी इन सक्सेसफुल लोगों की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके अपनी सक्सेस को अचीव करना है। अगर जो मैं बताने वाला हूँ उसको ढंग से इस्तेमाल कर लिया, जो पैसा आप दिमाग में सोच रहे हो वह पा सकते हो, जो नौकरी चाहिए पा सकते हो, एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लाइफ पार्टनर पा सकते हो, अच्छी हेल्थ पा सकते हो, जैसी लाइफ चाहिए वैसी आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि सबने ऐसा ही अचीव करा है। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आप अपनी डिजायर को ठीक करो। यूनिवर्स को क्लियरली बताओ कि आप चाहते क्या हो। लोग अपने डिजायर को लेकर ही कंफ्यूज रहते हैं, उनको खुद को नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, एग्जैक्टली बोल ही नहीं पाता कि मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को कामयाब होना है, तो कामयाबी की परिभाषा तो सबकी अलग अलग होती है। एक रिक्शे वाले की अलग होती है, टीचर की अलग होती है, एक बिलियनियर की अलग होती है, मार्क जुकरबर्ग की अलग है, इलॉन मस्क की अलग है, मैं बोल रहा हूँ मेरी अलग है, आप सुन रहे हो आपकी अलग है, सबकी कामयाबी का परिभाषा अलग अलग है। किसी के लिए हेल्दी होना कामयाबी है, किसी के लिए खुद का घर हो जाना कामयाबी है, किसी के लिए एक फेमस हो जाना कामयाबी है, किसी का वर्ल्ड टूर है, किसी का क्या, किसी का क्या, किसी का लाइफ पार्टनर। इसलिए पहले अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद क्लियर कर दो, उसके बाद में यूनिवर्स से मांगो। हो सकता है आपकी कामयाबी का मतलब है पैसा, घर और गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको डिटेल में जाना है कि कमाई का मतलब क्या, कमाई कि पैसा मतलब कितना, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, कितना। घर लेना है तो कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। गाड़ी लेनी है तो कौन सा मॉडल होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, किस बजट की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कब लेनी है, प्रॉपर डिटेल। तो सबसे पहले अपने डिजायर के एक एक डिटेल प्लान करो, तभी उसको इमेजिन कर पाओगे ढंग से, और फिर यूनिवर्स से मांगना शुरू करो, यानी कि वही मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दो, उसको जीना स्टार्ट कर दो। अब बात चल रही है अमीर बनने की, तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन से काम चलेगा नहीं, आपको अपनी वेल्थ बनानी है तो आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टिंग जो है वो हैबिट है जो धीरे धीरे डेवलप होती है, ऐसा नहीं होता कि आपके पास में करोड़ों आएंगे तो ही करोगे। तो अगर आप ये हैबिट डेवलप करना चाहते हो, आप अचीव करने की सोच रहे हो, उसके लिए यूनिवर्स आपको रिमाइंडर्स देगा, बट एक्शंस आपको लेने। फॉर एग्जाम्पल आप फिट होना चाहते हो, अब मान लो कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और वहां आपने एक ऐड देख ली,
रनिंग शूज की, तो ये एक सिग्नल समझ आएगा आपको कि यार मेरे को जरूरत भी थी रनिंग शूज की, मैं तो फिट होने की सोच ही रहा था, जॉगिंग करने की सोच ही रहा था और ये ऐड दिख गई। अब यहाँ आपको एक्शन लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शूज ऑर्डर कर दो, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी हो। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्स आपको वो सिग्नल देगा जो आप सोच रहे होते हो। कई बार होता है ना कि हम सोच रहे होते हैं और वो दिखना शुरू हो जाता है हमें चारों तरफ हर जगह, तो यूनिवर्स सिग्नल देता है। कई बार हम सोच रहे होते हैं कि यार मेरे को ये बिजनेस करना है, हम ऐसे ही किसी इंसान से टकरा जाते हैं कि मैं सोच ही रहा था यार और मुझे आप मिल गए, तो यूनिवर्स सिग्नल देता है, आपको एक्शन लेना होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अपॉर्चुनिटी, एक्शन आपको लेना होता है। नंबर थ्री, ये पॉइंट थोड़ा और ध्यान से सुनना। रोंडा बर्न ने अपनी एक किताब द सीक्रेट में कहा था कि जिस चीज पर आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो और जिस पर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, ये दो चीज जब मिल जाती है तब आप लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। सुनना, फोकस एंड बिलीव दोनों, एक नहीं दोनों, फोकस और बिलीव, इन दोनों का अलाइन होना बहुत जरूरी है। फोकस यानी जो आप पाना चाहते हो, जहां आपका ध्यान है ये पाना है मुझे। बिलीव यानी कि भरोसा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अमीर आपको बनना है, ये आपका फोकस है। आई वॉन्ट टू बी रिच, पैसा चाहिए मुझे, ये फोकस है। लेकिन बिलीव क्या है कि यार मैं कर तो रहा हूँ, होगा या नहीं होगा, रिस्क ले तो रहा हूँ, नुकसान में चला गया तो, पढ़ाई करते रहो, जॉब नहीं लगी तो, ये क्या है, हिला हुआ बिलीव। आपके अंदर सेल्फ डाउट पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं और इसी वजह से आपका फोकस, आपका ध्यान, जो ड्रीम है, जो पाना है, उसके और आपके बिलीफ सिस्टम के बीच में लिंक टूट जाता है। अभी इसका सोल्यूशन क्या है, ये तो बातें हो गई, चलो सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है मिरर टेक्निक। कुछ नहीं करना है, अकेले में कांच के सामने खड़े हो जाओ और अफर्मेशन फॉर्म करो। जैसे अगर आपको अमीर बनना है तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलो आई एम रिच, आई अर्न 1 crore rupees इन 6 months, आई एम मल्टी मिलियनियर। बोलो, वो फील लाओ। जो ड्रीम आप अचीव करना चाहते हो उसको मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोलो कि ये मैं कर चुका हूँ, आई हैव डन एवरीथिंग। इस टेक्निक को फॉलो करके क्या होगा, आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा, 1000% भरोसा हो जाएगा, क्योंकि सब कॉन्शियसली आप मानने लग जाओगे कि मैं तो हूँ, वैसा आप एक्ट करने लग जाओगे और फोकस और बिलीव का कनेक्शन बन जाएगा। नंबर फोर, फेक इट टिल यू मेक इट, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता है। मतलब आपको जो बनना है उससे पहले सोचो कि आप वो बन चुकी हो और एक्टिंग करते करते ऐसे जीना शुरू कर दो। एक एंटरप्रेन्योर बनना है, उसकी थिंकिंग क्या होती है, हैबिट्स क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, वो सब आप करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे वही बनने लग जाओगे, वैसे आप एक्शन लेने लग जाओगे, वही आप बनने लग जाओगे। एक्टर बनना हो तो एक फेमस एक्टर क्या करता है, सोचो और डेली उसी तरह से जियो। नंबर फाइव, रात को सोने से पहले बहुत से लोग नए नए आइडिया सोचते हैं, नए नए ड्रीम्स डिसाइड करते हैं, ये बनूंगा, ये करूंगा, इतना कमाऊंगा। तो आपको करना क्या है इस बार, क्योंकि हर बार हम अलग अलग सोचते हैं, हमें एक सपना सोचना है। आगे से क्या करना है, जहां आप सोते हो, जहां आपकी नजर जाती है, वहां पे एक फोटो लगा दो। जो आपको पाना है, दुबई घूमना है, दुबई की फोटो लगा दो, खुद की फोटो फोटोशॉप से लगा भी दो उसके ऊपर कि आप हो वहां पे। इससे होगा ये कि रोज आप उस इमेज को देख रहे हो, सोने से पहले भी, उठने के बाद भी, तो 1000 इमोशंस आपके अंदर पैदा हो जाएंगे। उसको देख देख कर अलग अलग स्टोरी भी याद आएगी आपको, ऐसे जाऊंगा, इस बार याद आएगी वहां जाऊंगा, इस बार और अलग तरीके से सोच रहे हो। इससे क्या होगा, सोने से पहले कुछ अच्छा देख के सो रहे हो, नेगेटिव कुछ नहीं सोच रहे हो कि यार नहीं हुआ तो, अच्छा देख के सो रहे हो, मैं चाह रहा हूँ वहां पे, घूम रहा हूँ, उठोगे तो गोल पता है मैं उठा क्यों, क्योंकि मेरे को करना है, सामने फोटो लगी हुई है जो। तो ये थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ स्टेप्स। अगर आप ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे जरूर। आइजक न्यूटन ने कहा है, नो ग्रेट डिस्कवरी, कोई भी खोज, कैन बी मेड विदाउट अ बोल्ड इमेजिनेशन, बिना दिमाग में पूरी ताकत से सोचे, इमेजिन करे, वो खोज नहीं हो सकती। और ये केवल एक साइंटिस्ट नहीं, दुनिया के सारे साइंटिस्ट, दुनिया के सारे कामयाब लोग, दुनिया के सारे रिच लोग, वेल्दी लोग, हेल्दी लोग, सबने बुलाई है, बार बार बुलाई है, मानते नहीं है बस लोग, ऐसे थोड़ी होता है, सोचने से हो जाता तो सब हो जाते हैं। हाँ हो रहे, सब हो रहे, सब सोच रहे, सब हो रहे, आप नहीं सोच रहे, आप नहीं हो रहे। जब मेरा चैनल बिल्कुल उठा नहीं था, तब मैं राइटिंग करते वक्त ये सोचता था कि यार ये वीडियो लाखों लोग देखेंगे, इसको पूरी दुनिया देखेगी। मैं नहीं सोचता था कि केवल यूट्यूब पे डालूंगा, कुछ एक दो लोग देखेंगे, नहीं। जब मैं माइक ऑन करता था, रिकॉर्ड करता था, मैं इमेजिन करता था कि मेरे सामने लाखों लोग खड़े हैं, सुन रहे हैं। तो वो चीज करने से होता क्या है, कन्विक्शन आता है, वो राइटिंग में बदलाव, वो बोलने में बदलाव। पहले सोचो तो सही, कोई भी चीज दो बार होती है, पहले दिमाग में और दूसरा रियलिटी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर जाना, आपकी एक कमेंट से मेरा और मेरी पूरी टीम का हौसला बढ़ता है अगली वीडियो को और अच्छी बनाने के लिए। सो लेट्स अज्यूम कि आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, और ऐसा अज्यूम करो कि ये वीडियो रेंडमली आपके पास आ गया था। वीडियो को आपने पूरा देखा और अब दो सिनेरियो बन सकता है। आपने ये सोचा कि ये वीडियो ऐसा ही फालतू सा है, देखने से कोई फायदा नहीं हुआ, और ऐसे ही लोग बोलते रहते हैं अपने व्यू लेने के लिए, या फिर बस ऐसा ही बकवास करते रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। तो रियलिटी मानो कि आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और ये रियलिटी में होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन ये वीडियो देखते हो और सोचते हो कि ये वीडियो एक कंप्लीट पैक आपके लिए मिल गया, जहाँ पे अपने सिचुएशन को, अपने लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो, अपने गोल्स को
और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। वीडियो में बताया गया स्टेप्स को आप क्लियर तरीके से लिख सकते हो और विजुलाइज कर सकते हो कि आपके लाइफ में ये चीज़ें अब चाहिए और ये चीज़ें अब आपको अवॉइड करने हैं। ये दो तरीके हैं, और अगर आप दूसरा तरीका अपनाते हो तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ, आपकी बिलीफ सिस्टम, जैसे मैंने आप भी आपको बताया कि जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरीके से आप बीमार हो तो ठीक होने के लिए क्या करते हो, बहुत जल्दी से निकलना शुरू कर देते हो। जैसे ऐसे ही मान लो कि अगर आप बाथरूम में ही जाते हो और कोई बाहर से कुंडी लगा देता है, तो आपके अंदर क्या ख्याल आता है? आप बाहर निकलना चाहते हो या बहुत आराम से नहाना चाहते हो? आप उस केस में ना बाहर निकलना पहले चाहोगे। और ये जो है ना, एक बिलीफ सिस्टम है कि हमारा दिमाग जो है ना, वो चीज़ें पहले करना चाहना चाहता है कि जिस कंडीशन में अगर हम लोग फंसे होते हैं। तो अनटिल आप किसी ऐसे कंडीशन में फंसे नहीं होते हो ना, आपका दिमाग उस लेवल का मैनिफेस्टेशन नहीं करता है। सो अगर आप अपनी गोल को, अपने ड्रीम्स को उस लेवल पे अचीव करना चाहते हो, तो आप चाहो कि उसके बिना आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हो, किसी ना किसी तरीके से बीमार हो, जो कि आपको वो चाहिए आपको ठीक करने के लिए। और वो मैनिफेस्टेशन देखोगे ना, तो जोरों से आपके दिमाग में टिक टिक करना शुरू कर देगा। और जब ये शुरू हो जाएगा ना, जैसे कहते ना कि घंटा बजना शुरू हो जाता है, और जब आपका दिमाग उस तरीके घंटा बजाना शुरू कर देगा ना, तो आप देखोगे उस गोल की तरफ भागते हुए आप पहुंचोगे। सो आई होप सो कि बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँचे हो और ये सारे जो है नॉलेज उनको मिला हो। सो ये वीडियो अपने आप में एक कंप्लीट पैक है, अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हो तो। सो मेरे लिए तो है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाना। तब तक के लिए धन्यवाद।